नमस्कार किसान भाइयों, पिशेफाई मंडी अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं कि राजस्थान की कुछ चुनिंदा मंडियों में 15 सितंबर को क्या रहे फसलों के दाम। विजयनगर की मंडी में ग्वार के दाम थे 5475 रुपए, ज्वार के दाम थे 1721 रुपए, मक्के के दाम थे 2185 रुपए, सरसों के दाम थे 7700 रुपए, उड़द के दाम थे 7340 रुपए, मटर के दाम थे 1482 रुपए, मूंग के दाम थे 6550 रुपए, कपास के दाम थे 6600 रुपए, गेहूं के दाम थे 1851 रुपए। निवई की मंडी में जौ के दाम थे 2050 रुपए, बाजरे के दाम थे 1530 रुपए, तिल के दाम थे 9800 रुपए, चने के दाम थे 5032 रुपए, गेहूं के दाम थे 1895 रुपए। बीकानेर की मंडी में मेथी के दाम थे 7430 रुपए, चने के दाम थे 5751 रुपए, ग्वार के दाम थे 6211 रुपए। भादरा की मंडी में लहसुन के दाम थे 4300 रुपए, प्याज के दाम थे 2000 रुपए, टमाटर के दाम भी थे 2000 रुपए। कोलेवाला की मंडी में ग्वार के दाम थे 6000 रुपए, प्याज के दाम थे 1800 रुपए, टमाटर के दाम थे 1400 रुपए, कपास के दाम थे 6951 रुपए, चने के दाम थे 6525 रुपए, सरसों के दाम थे 7762 रुपए, गेहूं के दाम थे 1880 रुपए। लालसोट की मंडी में जौ के दाम थे 1911 रुपए, तिल के दाम थे 9875 रुपए, चने के दाम थे 5000 रुपए, बाजरे के दाम थे 1505 रुपए, सरसों के दाम थे 8140 रुपए। मंडावर की मंडी में चने के दाम थे 5067 रुपए, डेचा के दाम थे 3621 रुपए, तिल के दाम थे 9510 रुपए, तारामीरा के दाम थे 6500 रुपए। मंडावरी की मंडी में चने के दाम थे 4980 रुपए, बाजरे के दाम थे 1498 रुपए, सरसों के दाम थे 8209 रुपए, गेहूं के दाम थे 1911 रुपए। बालोतरा की मंडी में टमाटर के दाम थे 1500 रुपए, जालौर की मंडी में धरे नारियल के दाम थे 3500 रुपए, ग्वार के दाम थे 5000 रुपए, धनिया के दाम थे 3500 रुपए, मक्के के दाम थे 2000 रुपए, प्याज के दाम थे 2200 रुपए, टमाटर के दाम थे 1200 रुपए। जोधपुर की मंडी में लहसुन के दाम थे 6000 रुपए, प्याज के दाम थे 1600 रुपए, सौंफ के दाम थे 8330 रुपए, मूंग के दाम थे 6965 रुपए, अरंडी के दाम थे 5030 रुपए, चने के दाम थे 5540 रुपए। रानी की मंडी में चने के दाम थे 5051 रुपए, मूंग के दाम थे 7151 रुपए। बारा की मंडी में मक्के के दाम थे 1633 रुपए, मूंग के दाम थे 6311 रुपए, टमाटर के दाम थे 750 रुपए, प्याज के दाम थे 800 रुपए, उड़द के दाम थे 6690 रुपए, सोयाबीन के दाम थे 8680 रुपए। बूंदी की मंडी में मूंग के दाम थे 6525 रुपए, उड़द के दाम थे 6227 रुपए, चने के दाम थे 4823 रुपए, मक्के के दाम थे 1763 रुपए, सोयाबीन के दाम थे 7900 रुपए, सरसों के दाम थे 7726 रुपए, धनिया के दाम थे 2945 रुपए। कोटा की मंडी में जो के दाम थे 2052 रुपए, बाजरे के दाम थे 1521 रुपए, अरंडी के दाम थे 5085 रुपए, तारामीरा के दाम थे 6501 रुपए, मेथी के दाम थे 6800 रुपए, ग्वार के दाम थे 5624 रुपए, तिल के दाम थे 9476 रुपए, मक्के के दाम थे 1771 रुपए, सोयाबीन के दाम थे 9926 रुपए, चने के दाम थे 4990 रुपए, सरसों के दाम थे 8151 रुपए, धनिया के दाम थे 7100 रुपए। डेगाना की मंडी में बाजरे के दाम थे 1500 रुपए, ग्वार के दाम थे 5700 रुपए। मेड़ता सिटी की मंडी में तारामीरा के दाम थे 6727 रुपए, सौंफ के दाम थे 8250 रुपए, चने के दाम थे 4950 रुपए, सरसों के दाम थे 8615 रुपए, ग्वार के दाम थे 5875 रुपए, इसबगोल के दाम थे 14500 रुपए, जीरे के दाम थे 14820 रुपए, मूंग के दाम थे 7211 रुपए। श्रीगंगानगर की मंडी में लहसुन के दाम थे 7400 रुपए, टमाटर के दाम थे 1100 रुपए, प्याज के दाम थे 1700 रुपए। बेगू की मंडी में गेहूं के दाम थे 1980 रुपए, सरसों के दाम थे 7501 रुपए, मक्के के दाम थे 1721 रुपए। बस्सी की मंडी में तारामीरा के दाम थे 6550 रुपए, सरसों के दाम थे 7775 रुपए, ग्वार के दाम थे 6050 रुपए, प्याज के दाम थे 1800 रुपए, बाजरे के दाम थे 1528 रुपए, टमाटर के दाम थे 2000 रुपए। दूनी की मंडी में ज्वार के दाम थे 2250 रुपए, बाजरे के दाम थे 1550 रुपए, सरसों के दाम थे 7800 रुपए, गेहूं के दाम थे 1805 रुपए। भगत की कोठी मंडी में जीरे के दाम थे 13800 रुपए, ज्वार के दाम थे 2400 रुपए, ग्वार के दाम थे 6080 रुपए, तिल के दाम थे 10000 रुपए, चने के दाम थे 5100 रुपए, इसबगोल के दाम थे 14150 रुपए और मूंग के दाम थे 7000 रुपए। किसान भाइयों, आज के राजस्थान के मंडी अपडेट्स में बस इतना ही। आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।